गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई विल रीड बिफोर यू द प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड. इट इज डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. आज हम आपको सेक्शन 6 पढ़ाएंगे. संपत्ति में कहा गया कि क्या अंतरित किया जा सकेगा. व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड व्हिच प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड किन संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है. क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम जो कि पक्षकारों द्वारा किए गए कार्यों पर लागू होता है, न कि विधि के प्रवर्तन द्वारा, इस तरह से सेक्शन 6 में बताया गया है. सेक्शन 5 में हमने कल पढ़ाया आपको कि संपत्ति अंतरण की परिभाषा क्या है और किन किन के मध्य अंतरण होता है. सेक्शन 5 ने आपको बताया एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को अंतरण किया जा सकता है, स्वयं को या एक से अधिक जीवित व्यक्ति को अंतरण किया जा सकता है, वर्तमान में या भविष्य में. इसके अंदर कंपनी संगम या व्यक्तियों का निकाय भी आता है. तो जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के मध्य अंतरण सेक्शन 5 था. अब सेक्शन 6 भीड़ करता है इस प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर. कौन सी ऐसी संपत्ति है जिनका अंतरण किया जा सकता है, कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जिनका अंतरण किया जा सकता है. तो सेक्शन 6 में कहा गया है कि वसीयती उत्तराधिकार की संभावनाओं मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता है. वसीयती उत्तराधिकार की संभावनाओं मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता है. वसीयती उत्तराधिकार की संभावना, तो उत्तराधिकार की संभावना उत्तराधिकार की संभावना मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता है. संभावना मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता है. वसीयती उत्तराधिकार की संभावना मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है. और कुल के नातेदार की वसीयती संभावना का अंतरण नहीं किया सकता है. तो इस तरह से संभावनाओं का अंतरण नहीं किया सकता है. सेक्शन 6 के अंतर्गत बताया गया है कि वसीयती संपदा के उत्तराधिकार की संभावना मात्र का अंतरण नहीं किया सकता है, या कुल की मृत्यु पर उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है. जिसकी संभावना हो उसका अंतरण नहीं किया जा सकता. सेक्शन 6 में तो संभावना मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता. दूसरा है भावी भरण पोषण के अधिकार. भावी भरण पोषण के अधिकार मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता है. अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता. अर्थात भावी भरण पोषण के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता. भावी भरण पोषण के अधिकार, जिसको भविष्य में भरण पोषण दिया जाना है, इसका अंतरण नहीं किया जा सकता सेक्शन 6 के अंतर्गत. क्योंकि सेक्शन 6
भावी भरण पोषण के अधिकार का अंतरण करने से मना करता है। आगे है सुखाधिकार, अधिष्ठाई स्थल से पृथकता, अधिष्ठाई स्थल से पृथकता, अधिष्ठाई स्थल से पृथकता, अधिष्ठाई स्थल से पृथकता, सुखाधिकार का अंतर नहीं किया जा सकता, सुखाधिकार का अंतर नहीं किया जा सकता, अंतर नहीं किया जा सकता, अंतर नहीं किया जा सकता। तो अधिष्ठाई स्तर से पृथकता है, सुखाधिकार का अंतरण नहीं किया सकता। कहने का तात्पर्य है केवल सुखाधिकार का अंतरण नहीं किया सकता है, अगर मकान का अंतरण किया गया है उसके साथ साथ सीढ़ी का भी अंतरण किया जाएगा, या जो है मकान का अंतरण किया गया है तो रास्ते में आने जाने का अधिकार का अंतरण भी साथ में हो जाएगा। जो उससे लगी हुई चीजें हैं, हवा, पानी, रोशनी, प्रकाश, मार्गाधिकार, मार्ग में आने जाने का अधिकार, खिड़की से रोशनी आने का अधिकार, हवा पाने का अधिकार, अर्थात संपत्ति के साथ जुड़ी हुई जो सुखाधिकार है, जो इन्वेंट्री राइट है, उसका भी अंतरण साथ साथ किया जाएगा। अधिष्ठाई स्थल से पृथकता सुखाधिकार का अंतरण नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने मकान बेचा, मान लीजिए उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने किसी बी को अपना मकान बेचा, तो मकान के साथ साथ सीढ़ी पर आने जाने का अधिकार, या मकान के साथ साथ रोशनी पाने का अधिकार, पानी की सुविधा का अधिकार इत्यादि का भी अंतरण किया, हवा, पानी, रोशनी इत्यादि का भी अंतरण साथ साथ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है अधिष्ठाई स्तर से पृथकता है जो है सुखाधिकार का अंतरण जो है हो जाता है, सुखाधिकार का अंतरण नहीं किया सकता। सुखाधिकार स्थल के साथ मकान के साथ उसका एक व्यक्ति राइट भी अंतरित हो जाएगा, क्योंकि केवल मकान का अंतरण नहीं किया जा सकता है, तो इन्वेंट्री राइट का भी अंतरण किया जा सकता है, अधिशाही स्थल से पृथकता है, सुखाधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जो है वृत्ति या पेंशन पाने का अधिकार, वृत्तिया पेंशन पाने का अधिकार, ये अधिकार वृत्ति आप किसी प्रोफेशन में हैं या पेंशन, जैसे सेना, नौसेना, वायुसेना, नौसेना वायुसेना में जो व्यक्ति कर्तव्यस्त है तो वृत्ति का अंतरण नहीं किया सकता है, किसी प्रोफेशन का अंतरण नहीं किया सकता है, या सेना, नौसेना, वायुसेना के जो ऑफिसर है या कर्मचारी है इनकी पेंशन का अंतरण नहीं किया सकता है, पेंशन का अंतरण नहीं करने से मना किया गया है, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो है वृत्ति काय या सेना, नौसेना, वायुसेना में पेंशन के अधिकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, नहीं किया सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6
ऐसा करने से मना करता है। केवल वाद लाने का अधिकार, केवल वाद लाने का अधिकार, केवल वाद लाने के अधिकार का अंतर नहीं किया सकता, केवल वाद लाने का अधिकार, तो केवल वाद लाने के अधिकार का अंतर नहीं किया सकता है। ओनली राइट टू सू कैन बी नॉट बी ट्रांसफर, राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर। केवल वाद लाने का अधिकार का अंतर नहीं किया सकता, क्योंकि सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसको करने से मना करता है। और अगला है लोकपद का अधिकार, लोकपद के अधिकार का अंतर नहीं किया सकता, लोकपद के अधिकार का अंतर नहीं किया सकता। लोकपद के अधिकार का अंतर नहीं किया सकता, अधिकार का अंतर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है, लोकपद को धारण करता है, उसके अधिकार का अंतर नहीं किया सकता है। यह नहीं हो सकता है कि उसके पद को दूसरा व्यक्ति धारण करे और उसके अधिकार को दूसरे व्यक्ति को अंतरित कर दिया जाए, तो लोकपद के अधिकार का अंतर भी नहीं किया सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने पब्लिक ऑफिस लोकपद को धारण किया है वही लोकपद को धारण करने का अधिकारी है, इस प्रकार से लोकपद के अधिकार का भी अंतरण नहीं किया सकता है। तो आपने देखा सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमेशा लगभग पर प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो इसमें क्या अंतर किया जा सकता है, टाइटल से इशू कहती है व्हाट कैन बी ट्रांसफर, व्हिच प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर। तो बताया गया है कि संहिता में बताया गया है किन किन संपत्तियों का अंतरण नहीं होता, तो अंतरण के संबंध में प्रावधान है, जितने भी प्रावधान बताए हैं हम एक एक करके आप लोगों के समक्ष इसका जो है डिस्कशन करेंगे। मैंने जैसे बताया कि संभावनाओं का अंतरण मात्र नहीं होता, हो सकता है, केवल वाद लाने के अधिकार का अंतर नहीं किया सकता है, सुखाधिकार के अधिष्ठाई असल से प्रत्यक्त है सुखाधिकार का अंतर नहीं किया सकता है, और लोकपद का अंतर नहीं किया सकता है, राजनीतिक या वृत्तिक जो पेंशनें हैं इसका अंतर नहीं किया सकता है, भावी भरण पोषण के अधिकार का अंतर नहीं किया सकता है। इस कार से संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत किन किन संपत्तियों का अंतरण होता है यह बताया गया है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से एक नोट्स बना लिए जिससे कि परीक्षा में यह काम देगा। तो द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो, थैंक यू वेरी मच।